दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लिव हार्टली। दोस्तों, राखी आने वाला है और आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं राखी से रिलेटेड और वीडियो लाऊं। मैंने अपने पहले एक वीडियो में राखी की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने इस राखी की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है और इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है थिन कार्डबोर्ड। आप देख सकते हैं यह कार्डबोर्ड कितना पतला है। आप कार्डबोर्ड की जगह शादी का कार्ड भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस कार्डबोर्ड के पीस को चार छोटे छोटे सर्कल्स में कट कर लिया है। इस सर्कल के पीस को कवर करने के लिए मैं फैब्रिक का यूज करूंगी। मैंने यहाँ रेड और पीच कलर की साटिन का फैब्रिक यूज किया है। आप साटिन की जगह कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अब इन चारों सर्कल्स पे हम फैब्रिक कवर करेंगे, तो मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस में फैब्रिक को कट कर लिया है और फैब्रिक पे या कार्डबोर्ड का पीस स्टिक करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज कर रही हूँ। और हमें ग्लू इसलिए लगा के स्टिक करना है ताकि यह कार्डबोर्ड का पीस हिले नहीं। आप ग्लू को बहुत ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लू लगाएंगे वहाँ का फैब्रिक का कलर हल्का डार्क हो जाएगा। आप फैब्रिक ग्लू की जगह ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। सारे फैब्रिक पे मैंने कार्डबोर्ड के पीस को स्टिक कर लिया है। अब मैं 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर इसे राउंड में कट करूंगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसमें कट लगा रही हूँ। कट लगाने से यह इजिली कवर हो जाएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कवर होगा। कार्डबोर्ड का जो एंड है उसके ऊपर तक हमें कट लगाना है। एकदम कार्डबोर्ड के टच में हमें कट नहीं लगाना है, क्योंकि साटिन का फैब्रिक थ्रेड बहुत जल्दी रिलीज करता है। और एकदम हम कार्डबोर्ड के एंड तक कट लगा देंगे तो जब इसे हम कवर करेंगे तो इसके कॉर्नर्स थ्रेड रिलीज कर सकते हैं। इसलिए आप कार्डबोर्ड के एंड के थोड़ा ऊपर तक कट लगाएं। सारे पीसेस पे एक फैब्रिक को कट करने के बाद मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। आप ग्लू गन की जगह सिलिकॉन ग्लू या कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज करें। फेविकॉल का यूज ना करें, क्योंकि फेविकॉल से यह स्टिक नहीं होगा। ऐसे ही हम सारे पीसेस पे फैब्रिक को कवर कर लेंगे। अब हम इनके बीच में स्टिक करेंगे थ्रेड। आप कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास थ्रेड नहीं है तो आप मोली भी यूज कर सकते हैं। और एकदम सेंटर में हम इसे स्टिक कर लेंगे। थ्रेड स्टिक करने के बाद सेम फैब्रिक का हम दूसरा पीस इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। इसको हम टाइटली प्रेस कर देंगे ताकि यह ऊपर नीचे ना रहे। और सेम इसी मेथड से हम दूसरे पीस में भी थ्रेड लगा के उसे स्टिक कर लेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं कुंदन स्टोन का यूज की हूँ और मैंने यह स्टोन अमेजोन से परचेज किया है। अगर आपको भी यह परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे स्टिक करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसको बहुत ही सिंपल डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी तरह से कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सेंटर में मैं 3 ड्रॉप शेप के स्टोन को स्टिक कर रही हूँ और इसके कॉर्नर पे मैं आई शेप के स्टोन को स्टिक कर रही हूँ। आप इसे जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल डेकोरेट किया है। इसके कॉर्नर पे मैंने आई शेप के स्टोन को स्टिक कर लिया है। ऐसा ही मैं दूसरे पीस को भी डेकोरेट कर लूंगी। हमने जो इसमें थ्रेड लगाया है उसको डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे कुछ मोती। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ व्हाइट, रेड और व्हाइट कलर के मोती से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और मोती लगाने के बाद इसके एंड पे हम नॉट लगा देंगे और थ्रेड के एंड पे भी हम नॉट लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरे साइड के थ्रेड को भी डेकोरेट कर लेंगे और सेम इसी मेथड से हम दूसरी राखी के थ्रेड को भी डेकोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से सुंदर सा राखी बनकर कम्प्लीट हो गया है और यह दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी इस राखी के DIY को जरूर ट्राई करें। दूसरी राखी का बेस बनाने के लिए मैंने यूज किया है मोल्डेड क्ले और इन दोनों कंपोनेंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है। क्ले को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ दो राखी बना रही हूँ। क्ले अगर स्टिकी लग रहा है तो हल्का सा टैल्कम पाउडर इसमें यूज कर लें, इससे यह सही हो जाएगा। इसे मैं सिलिंड्रिकल शेप का बना रही हूँ। आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। शेप देने के बाद टूथपिक की हेल्प से मैं इसके सेंटर में होल करूंगी ताकि मैं इसमें थ्रेड डाल सकूं। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसमें होल कर रही हूं। और हमें दोनों साइड होल करना है, क्योंकि अगर एक साइड से होल रह गया तो थ्रेड इसमें जाएगा नहीं। तो साइड से इसमें होल करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरे बेस को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ दूसरे बेस को बहुत ही सिंपल सा
राउंड शेप का बनाया है और इसके साइड में भी शेप देने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे रोल कर रही हूँ। और इसके सेंटर के साइड में होल्ड करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। यह पूरी तरह ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे पेंट। तो मैं यह एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, किसी भी कलर से इसे पेंट कर सकते हैं। मैंने इसे ऑफ व्हाइट और ब्लू कलर से पेंट किया है। मैं यूज कर रही हूँ 3D ग्लिटर ट्यूब। मैंने यहाँ गोल्ड कलर के ग्लिटर ट्यूब को यूज किया है और ब्लू वाले बेस पे मैं इस पे ग्लिटर ट्यूब की हेल्प से डिजाइन बना रही थी। लेकिन जब मैंने डिजाइन बनाया उसके बाद मुझे यह अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ब्रश की हेल्प से इस ग्लिटर को चारों तरफ स्प्रेड कर लिया और स्प्रेड करने के बाद यह बेस बहुत ही सुंदर लगने लगा। चारों तरफ ग्लिटर स्प्रेड करने के बाद मैं इस पे एक छोटा राउंड शेप का स्टोन और दो ड्रॉप शेप के स्टोन को स्टिक कर ली हूँ और इसे भी मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक किया है। अब इसके राउंड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं स्क्वायर शेप के स्टोन को स्टिक कर रही हूँ। स्टोन स्टिक करने के बाद यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। दूसरे बेस को अब हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें थ्रेड इंसर्ट कर लिया है। इसमें हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद बेस का जो कॉर्नर है उसे मैं स्क्वायर शेप के स्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ और इसके सेंटर पे मैं छोटे राउंड शेप के स्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ। बेस को भी मैंने स्टोन से डेकोरेट कर लिया है और आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा लग रहा है। इसके बीच में जो स्पेस है उसे मैं फिल करने के लिए ग्लिटर ट्यूब का यूज कर रही हूँ। मैंने सेम 3D ग्लिटर ट्यूब का ही यूज किया है और इसे इवेनली स्प्रेड करने के लिए मैं टूथपिक का यूज कर रही हूँ। आप ब्रश से भी इसे इवेनली स्प्रेड कर सकते हैं। ये अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। केक का जो पहला बेस है वह कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थ्रेड। थ्रेड को भी मैंने व्हाइट ब्लू और व्हाइट मोती से डेकोरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यह राखी भी बनकर कंप्लीट हो गया है और यह दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत यूनिक भी लग रहा है। ऐसे ही मैंने दूसरी राखी को भी कंप्लीट कर लिया है। आपको इन सारी राखी में से कौन सा राखी सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो से आइडिया लेकर अपने भाई के लिए राखी बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। Till then, take care and bye.